नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबी टीवी। मैं हूं धर्मेंद्र संधू, आप देख रहे हैं खबरें सुपर फास्ट। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, चढ़ावे के फूलों को दें विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को ताकि बन सके धूप और इत्र। कन्नड़ अभिनेत्री जयंती का 73 साल की उम्र में निधन, बेंगलुरु के अस्पताल में लिया आखिरी सांस, 500 से अधिक फिल्मों में किया था काम। पंजाब विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2017 के तहत अब तेजाबी हमले में पीड़ित को मिलेगा 3 लाख रुपए का मुआवजा। तेजाबी हमले में पीड़ित की मौत हो जाने पर परिजनों को मिलेगी 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के पास करना होगा निवेदन। जल्द शुरू होगा पठानकोट सिविल एयरपोर्ट। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर के साथ साथ देखने को मिल रहा है रोष। एयरपोर्ट रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड की हालत है खस्ता। करनाल में पब्लिक हेल्थ टर्म अपॉइंटी के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, कहा उन्हें किया जाए पक्का। प्रदेश भर से इकट्ठा हुए कर्मचारियों ने सीएम सिटी करनाल से आरंभ की साइकिल यात्रा। यह साइकिल यात्रा पहुंचेगी चंडीगढ़। नारायणगढ़ में प्रेम प्रसंगों के चलते प्रेमी ने 26 वर्षीय प्रेमिका और उसके 2 साल के पुत्र को उतारा मौत के घाट। पति ने करवाया था दोनों के गुम होने का मामला दर्ज। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव किए बरामद। नारायणगढ़ में एक शोरूम के लेंटर का पिलर गिरने से मजदूर की नीचे दबकर हुई मौत। ठेकेदार पर लगाए लापरवाही का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। बठिंडा में प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरविंदर बराड़ की पत्नी ने की आत्महत्या। अपने पिता प्रसिद्ध नाटककार अजमेर सिंह गौलक की मौत के बाद चल रही थी परेशान। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फाजिलका पुलिस ने बरामद की 3 किलो 500 ग्राम अफीम। आरोपियों से 1 कार और 1 लाख की ड्रग मनी भी की बरामद। 5 आरोपी किए गिरफ्तार। जलंधर में मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने मारी टक्कर। मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर शुरू की जांच। जलंधर पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्तौल और 1 चाकू किया बरामद। दोनों युवक थे नशे की हालत में। पुलिस के अनुसार इन दोनों पर पहले भी दर्ज है लड़ाई झगड़े के कई मामले। मोगा में गोल्डन एरो डिवीजन अग्निबल ब्रिगेड ने की विशाल रैली। पूर्व सैनिकों ने बताई अपनी समस्याएं। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह की बहू को 5,000 रुपए देकर किया गया सम्मानित। फतेहगढ़ साहब के गांव अतापुर में बुजुर्ग व्यक्ति न्याय की मांग को लेकर चढ़ा पानी की टंकी पर, निकला जहरीला पदार्थ। बुजुर्ग के अनुसार पंचायत कर रही है उसकी जगह पर जबरदस्ती कब्जा। इससे पहले भी 2 बार चढ़ चुका है पानी की टंकी पर। गुरदासपुर के बेंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक विभाग की लैब में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। टला बड़ा हादसा, नहीं हुआ जानी नुकसान। दीनानगर में ऑनलाइन ऑर्डर से मंगवाई हार्ड डिस्क की बजाय निकले पत्थर। दुकानदार ने स्नैपडील से ऑनलाइन मंगवाई थी हार्ड डिस्क। पार्सल देने आए लड़के के सामने ही दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सारी घटना। खबरें सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एवन पंजाबी टीवी।